बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल्स का फोर्थ लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, इमल्जेंस जो है ना क्या होती हैं, इमल्जेंस की टाइप्स कितनी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं जिक्र करूँगी इमल्सिफाइंग एजेंट का। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है कि जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं, दो इमिसिबल लिक्विड हैं ऑयल एंड वाटर, उनको मज़ीद जो है ना इमल्सिफाई करने के लिए जो है ना इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं उनको मज़ीद हल करने के लिए जो तीसरे एजेंट की ज़रूरत होती है वो कौन सा होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट की ना ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी थी, लेकिन ये वाले पॉइंट्स जो है ना फाइनली आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिंपल है कि उसे जो है ना कंपेटेबल होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इनएक्टिव, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, उसको ऑर्डरलेस, उसकी कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, कोई टेस्ट उसका शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड, नंबर वन पॉइंट ना इमल्सिफाइंग एजेंट, कि वह दो इमिसिबल लिक्विड के दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन है उसे कम कर दे। नंबर टू, फिज़िकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या है, इनएक्टिव होना चाहिए उसे, उसे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देना है, उसे उसके साथ मिलकर कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाना है, उसे सिर्फ हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इमल्सिफाई करने के लिए, मज़ीद जो है ना सोलबिलिटी को इन्हांस करने के लिए टू इमिसिबल लिक्विड्स की। एंड कंपेटेबल विद अदर इन्ग्रीडियंट ऑफ फार्मुलेशन, इट शुड बी नॉन इरिटेंट, जो टॉपिकल अप्लाई की जाती हैं उसे आइडियली जो है ना नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए इन द कंसंट्रेशन यूज़, उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन जो है ना, जो भी कंसंट्रेशन है किसकी, इमल्सिफाइंग एजेंट की हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए दैट इज़ नॉन इरिटेंट एंड नॉन टॉक्सिक इन द फॉर्मुलेशन। इट शुड बी इनर्ट, नॉट इम्पार्ट कलर, ऑडर और द टेस्ट। कलर का मतलब क्या है, रंग, ऑर्डर का मतलब क्या है, उसकी स्मेल, उसकी जो स्मेल है वो भी जो है ना अपने वो स्मेल भी उसमें ना प्रोड्यूस कर, या फिर टेस्ट। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड विस्कोसिटी। कुछ इमल्जेंस ऐसी होती हैं कि वो जो है ना लिक्विड होती है, लेकिन अगर हमें चाहिए हुए कि हमें उसे जो है ना एक लोशन बनाना है या हमें कोई क्रीम या ऑइंटमेंट बनानी है, तो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट कंसंट्रेशन क्या करना है, बढ़ा देना है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ना वो ऐसा होना चाहिए दैट इज़ गिविंग द रिक्वायर्ड विस्कोसिटी इन द प्रिपरेशन, इन द फाइनल प्रिपरेशन। इट शुड बी एबल टू फॉर्म कोहेरेंट फिल्म। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट फिल्म? अगर ऑयल और वाटर इमल्जन है या वाटर इन ऑयल इमल्जन है, तो वाटर जो ऑयल के अंदर जो है वाटर को मिक्स किया जा रहा है या वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स किया जा रहा है, क्या बन जाएंगे, ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट लिया, इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमने इमल्सिफाइंग एजेंट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जो ये ग्लोब्यूल्स हैं इसके गिर्द जो है ना क्या बना ले, कोहेरेंट फिल्म बना ले, क्या बना ले, कोहेरेंट फिल्म बना ले, ताकि वो क्या ना हो सके आपस में, ज्वाइन ना हो सके आपस में। कोहेरेंट फिल्म का मतलब ये है कि ज्वाइन हो जाएंगे अगर वो, तो वो मिलके क्या बन जाएंगे, एक जगह उनका फ्लॉकुलेशन बन जाएगी, वो एक जो है ना कोलाइडल जो कंपाउंड्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आके मिलके जुड़ के जो है ना, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएंगे, जब हम दोबारा उसे शेक करेंगे तो वो दोबारा से रीडिस्पर्स नहीं होंगे। तो इमल्सिफाइंग एजेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी ड्रग, जो भी हम ऑयल हो सकता है कोई ड्रग है और उसमें जो है हमने वाटर को मिक्स किया, तो उसके जो ये ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूल्स हैं, इसके गेट जो है ना वो एक फिल्म बना ले, ताकि इसके और इसके दरमियान जो है ना इंटरफेशियल टेंशन भी कम से कम हो, और दूसरा ये कि वो आपस में जो है ना मिलके फ्लॉकुलेट या क्रीमिंग या दो फेजेस हैं उनको सेपरेट ना कर दे। एंड शुड प्रिवेंट कोलिसेंस ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ द डिस्पर्स, ये है ना, एंड शुड प्रिवेंट कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब क्या है, वो आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन में, तो इसका मेन मकसद ये है कि आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो कोहेरेंट फिल्म बना ले अराउंड द ग्लोब्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड शुड प्रिवेंट द कोलिसेंस ऑफ द ड्रॉपलेट्स।
कॉलिसेंस ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। इसका मैंने जिक्र क्यों किया कि आपकी स्टेबिलिटी इमल्जन है उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जेंस के लिए। अच्छा, अब हम प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन पहले पढ़ लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है। टोटल तीन मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन के, एक है ड्राई गम मेथड और एक है वेट गम मेथड और तीसरा है बॉटल मेथड। जैसा कि नाम से जाहिर है ड्राई गम मेथड में होता ये है कि आपने क्या लिया, एक आपके पास जो है ना ये एक पेन है, इसमें आपका ऑयल मौजूद है और इसमें क्या मौजूद है, इमल्सिफाइंग एजेंट दैट इज अकेशिया। अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ना वो किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है इमल्सिफाइंग एजेंट दैट इज अकेशिया और यहाँ पे आपके पास ऑयल मौजूद है। अगर हमने एक इमल्जन तैयार करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राई गम मेथड, जैसे कि नाम से जाहिर है कि उसमें आपके पास जो है ना अकेशिया जो है ना वो क्या है, ड्राई फॉर्म में मौजूद है और ये आपके पास ऑयल है। आपने ऑयल की कुछ मिकदार पहले किसने मिक्स की, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट में पहले आपने इसके साथ मिक्स की, अच्छी तरह से इसको इतना मिक्स किया ऑयल को उसके साथ इतना मिक्स किया कि वो क्या बना ले, एक क्रीम बना ले। क्रीम बन गई, जब उसमें जो है ना हमें लगेगा कि बिल्कुल स्मूथनेस आ गई है, वो बिल्कुल एक पेस्ट जो है ना क्रीम तैयार हो गई है, उसके बाद जो है ना आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करनी है। फिर हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास ड्राई गम मेथड से जो है ना एक क्या बन जाएगी, इमल्जन तैयार हो जाएगी, ठीक है। बट इन द सेम वे वेट गम मेथड में क्या होता है, वेट गम मेथड में क्या होता है कि आपने अकेशिया में पहले जो है ना ऑयल के बजाय क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद जो है ना आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल बाद में मिक्स करनी होती है। तो इस जैसे कि नाम से जाहिर है कि वेट गम मेथड ना, इसमें क्या है कि अकेशिया को हमने किसके साथ वेट कर लिया, वाटर के साथ, और उसमें हमने अकेशिया को वाटर के साथ वेट नहीं किया था पहले, पहले हमने क्या किया था ऑयल के साथ। तो ये कहलाता है कौन सा मेथड, वेट गम मेथड। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कितनी कंसंट्रेशन होगी तीनों की, कंसंट्रेशन कितनी होगी इसमें, 4:2:1। फोर पार्ट्स इसमें क्या होंगे, ऑयल मौजूद होगा, टू पार्ट्स इसमें वाटर मौजूद होगा एंड वन पार्ट इसमें क्या होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट अकेशिया। दोनों में जो रेशियो है वो सेम है, लेकिन फ़र्क इस चीज़ का है ड्राई का और वेट का। वेट उसे क्यों कह रहे हैं कि उसमें अकेशिया हमने पानी के साथ जो है ना वो पहले मिक्स किया, वो वेट गम मेथड है, और उसमें जो है ना हमने ऑयल के साथ मिक्स किया था पहले, तो वो क्या कहला रहा है आपका, ड्राई गम मेथड। क्लियर है यहाँ तक, 4:2:1 कंसंट्रेशन है, फोर पार्ट्स ऑफ द ऑयल, टू पार्ट्स ऑफ द वाटर एंड वन पार्ट ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। वेट गम में क्या होगा कि अकेशिया जो है अकेशिया को हमने मिक्स किया वाटर के साथ, तो वो क्या बना लेगा, आम म्यूसिलेज। जब वाटर को हमने उसके साथ वो ऐड किया तो उसने क्या बना लिया, एक म्यूसिलेज बना लेगा। इस म्यूसिलेज में फर्दर जो है ना क्वांटिटी ऑफ द ऑयल इज एडेड टू बेक द फाइनल इमल्जन। बॉटल मेथड की बात करें तो वो इन दोनों से डिफरेंट है।
बॉटल मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन कंटेनिंग द वोलेटाइल ऑयल्स और द लेस विस्कस ऑयल. बॉटल मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द इमल्जेंस दैट इज कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल एंड लेस विस्कस. वोलेटाइल ऑयल के लिए बॉटल मेथड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वोलेटाइल ऑयल जो है ना वो हाइग्रोस्कोपिक, वो जो है ना उससे जो ऑयल है वो एवोपरेट कर जाएगा. तो इसकी वजह से आपका बॉटल मेथड है कि वोलेटाइल ऑयल या लेस विस्कस जो लिक्विड्स होंगे, लेस विस्कस होंगे तो उसकी तो एप्लीकेशन भी मुश्किल है ना. अगर वो लेस विस्कस है, हमें हो सकता है उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ज़्यादा मिकदार में ऐड करना हो, तो उस सूरत में आपने बॉटल मेथड एडॉप्ट, उसमें इमल्जिंग की तैयारी के लिए बॉटल मेथड यूज़ करना होता है. अच्छा, इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल लेस विस्कस है तो इसमें हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की मिकदार ज़्यादा चाहिए होगी. इसमें जो रेशियो होती है वो क्या रेशियो होती है? 4:4:2, 4:4:2. 4 parts इसमें ऑयल है, 4 parts इसमें वाटर है. ऑयल, वाटर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट. इसमें हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की जो मिकदार है वो एज़ कम्पेयर टू वेट एंड ड्राई गम मेथड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लेस विस्कस है. और वोलेटाइल इन नेचर है तो इसकी वजह से हमें इसमें मिकदार ज़्यादा चाहिए. इसमें होता यह है कि ऑयल या फिर वाटर, आपने जो भी लेना है, इसमें ऑयल या वाटर बोतल में ऐड किया और उसे अच्छी तरह से जो है ना शेक कर लिया. उसके साथ ही जो है ना उसमें आपने जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी मिकदार भी ऐड कर दी. इमल्सिफाइंग एजेंट की मिकदार ऐड करने के बाद बोतल को मज़ीद जो है ना विगरसली एंड थॉरली जो है ना वो शेक किया गया. उसे अच्छी तरह से शेक करने के बाद जो है ना मज़ीद उसका वॉल्यूम मेकअप करने के लिए ऑयल या वाटर उसमें से जो भी ऐड करना है वो ऐड करके उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेना है. तो ये कहलाता है बॉटल मेथड. इसमें बॉटल मेथड में ऑयल और द वाटर इज़ एडेड इन द बॉटल. ऑयल जो है ना वोलेटाइल होगा और लेस विस्कस होगा. ऑयल और वाटर इज़ एडेड इन द बॉटल एंड द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ ऑल्सो एडेड. इन दोनों को ऐड करने के बाद बॉटल को विगरसली और बहुत थॉरली जो है ना वो शेक किया गया. अच्छे से आपने शेक कर लिया. जब वो आपस में जो है ना इमल्सिफाई हो जाएंगे, व्हेन बोथ ऑफ द सब्सटेंसेस विल इमल्सिफाई, ऑयल के साथ जो है ना इमल्सिफाइंग एजेंट, उसके बाद आपने ऑयल या वाटर से जो भी आपने लेना है उससे उसका जो है ना वॉल्यूम मेकअप कर लेना है फाइनली, और फिर उसको आपने मिक्स कर लेना है. क्योंकि इसमें जो है ना डिपेंड नहीं करता, इसमें आप वॉल्यूम मेकअप ऑयल से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं. इसी तरह से जो आपने ऐड किया है वो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और वाटर भी. इसमें दोनों मेथड अडॉप्ट होते हैं, वेट गम भी और ड्राई गम भी, लेकिन जो है ना ये किस में तैयार हो रहे हैं? बॉटल में तैयार कर रहे हैं. ये 3 methods थे. इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन, सेम 4:2:1, और इसमें जो है ना 4:4:2. बस उसमें वो तरीके का फ़र्क है. वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड में क्या था?
कि आपने इमल्सिफाइंग एजेंट लिया, वाटर वाटर लिया, ऑयल लिया, ऑयल में पहले इमल्सिफाइंग एजेंट को मिक्स किया, आपके पास ड्राई फॉर्म में इमल्सिफाइंग एजेंट था अकेशिया, उसमें आपने ऑयल को थोड़ी मिकदार में मिक्स किया, उसके उनको मिक्स करने के बाद एक क्रीम बन गई, क्रीम में आखिर में आपने जो है ना उसमें वाटर ऐड किया, तो ये क्या बन गया, ड्राई गम मेथड। लेकिन वेट गम में क्या है, वाटर के साथ आपने इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया, जब आपस में मिक्स किया, उसके बाद आखिर में जो है ना आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो है ना वो ऐड की, वो क्या हो गया, वेट गम मेथड। और बॉटल मेथड इज़ वेरी सिंपल, उसमें दोनों ही ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल दोनों मेथड अडॉप्ट होते हैं, लेकिन उसे हम बॉटल में तैयार करते हैं टू अवॉइड द एवापोरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन का मतलब है कि आपकी जो इमल्जन है वो तैयार करते हैं उसको स्टेबल होने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं दैट कैन डी स्टेबलाइज इमल्जन्स, जिससे उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। सबसे पहला है कॉलिसेंस, कॉलिसेंस का मतलब है टू ग्रो टुगेदर, जैसा कि मैंने इसकी पिक्चर भी साथ बनाई। कॉलिसेंस में होता ये है, ये आपके पास जो है ना एक वो है बीकर है, इसमें आपकी इमल्जन मौजूद है, लेकिन हुआ ये है कि जो उसके ग्लोब्यूल्स हैं, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं, उन्होंने आपस में ग्रो किया, ग्रो करके एक लार्ज ग्लोब्यूल्स उन्होंने बना लिए, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिल के जो है ना ग्रो टुगेदर एंड फॉर्म द लार्ज ग्लोब्यूल दैट इज़ कॉल्ड कॉलिसेंस। तो यही वजह थी कि जब मैंने आपको बताया था कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं दे शुड फॉर्म अ कोहेरेंट फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने कहा था स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया कि आपका जो भी ग्लोब्यूल वाटर ऑयल इन वाटर इमल्जन या वाटर इन ऑयल इमल्जन, उसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ना अराउंड द ग्लोब्यूल फॉर्म अ कोहेरेंट फिल्म। कोहेरेंट फिल्म से ये होता है कि दे कैन नॉट ग्रो टुगेदर, दे कैन नॉट ग्रो टुगेदर एंड दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द लार्ज ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल। अगर ये लार्ज ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, अगर आप वो एक दफा बना लें और दोबारा से रिडिस्पर्स करें, आप उसे शेक करें, तो वो क्या होंगे, रिडिस्पर्स नहीं होंगे, दे विल नॉट ब्रेक ईजीली। तो इसे कहते हैं हम कॉलिसेंस, कॉलिसेंस मीन्स टू ग्रो टुगेदर, द डिस्पर्स फेज फ्यूज टू फॉर्म द लार्ज ग्लोब्यूल्स। दूसरा है क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग में क्या होता है कि आपका जो ऑयल इन वाटर इमल्जन है या वाटर इन ऑयल इमल्जन है, ये है आपके पास, इसे आपने मिक्स कर लिया, ऑयल था ये वाटर था, ये मिक्स हो गई। अब जो है ना जो ग्लोब्यूल्स हैं इसके, अगर ये सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए और यहाँ पे ये एक फिल्म बना लें, सरफेस पे आके ग्लोब्यूल्स जो है ना वो जमा हो जाए और यहाँ पे ये बना लें फिल्म, तो इसे क्या कहते हैं, क्रीमिंग, क्रीमिंग ऑफ इमल्जन। बट अगर ये स्मॉल जितने भी ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूल्स जो है ना वो सरफेस में बैठ जाए, दे मूव एट द लोअर साइड और यहाँ पे ये बैठ जाएं बनाने, तो ये क्या कहलाता है, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, सॉरी सेडिमेंटेशन, ये क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब जैसे कि सस्पेंशन में भी है, सस्पेंशन में पढ़ा था ना आपने, सेडिमेंटेशन रेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सस्पेंशन, कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स शुड बी डिस्पर्स इन द सस्पेंशन इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट सेडिमेंट और सेटल एट द सरफेस, उन्हें सेटल नहीं होना। अगर वो सेटल हो जाएंगे तो दोबारा से आप उसे शेक करेंगे आप सिरप को बिफोर यूज़, तो वो क्या होगा, वो दोबारा से रिडिस्पर्स नहीं होंगे ईजिली। द सेम केस इज़ फॉर द इमल्जेंस, इमल्जेंस में भी ये होता है कि जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे मूव एट द लोअर साइड एंड दे फॉर्म द ग्लोब्यूल्स एंड दे सेटल डाउन
अगर वो आके सेटल डाउन, वो डिस्पर्स नहीं होते यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द इमल्जन, तो वो यहाँ पे सेटल डाउन होंगे, इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. इमल्जन शुड बी इनस्टेबल, दे कुड नॉट बी एबल टू फॉर्म द क्रीमिंग और द सेडिमेंटेशन. ये दो समझ आ गए. नाउ मूव टू थर्ड वन इज ब्रेकिंग. ये एक इमल्जन है, ऑयल है और वाटर है, ठीक है. इन्हें आप ये मिक्स हो गए, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया हमने, मिक्स कर लिया. मिक्स करने के बावजूद अगर अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं यूज़ किया गया, या अच्छी मैनुअल टेक्निक या फिर एजिटेशन नहीं इस्तेमाल की गई, इमल्जन को हमने स्टेबलाइज किस तरह से करना है? दो तरह से स्टेबलाइज होती हैं, बाय द एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड बाय द टेक्निक, मैनुअली या फिर आपने एजिटेशन उसकी सख्त जो है ना वो एजिटेशन की, उससे जो है ना वो आपस में ऑयल वाटर क्या हो गए, मिक्स हो गए थे. लेकिन कुछ देर बाद या फिर आपने उसको बना के रखा, यहाँ पे जो है ना जो ऑयल है वो क्या हो जाए, इस फेज में से आके यहाँ पे जो है ना आके एक लेयर बना ले, ऑयल यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाए, या फिर ऑयल की मिकदार ज़्यादा थी और वो मिक्स हो गए, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर था और वाटर इन ऑयल है, ठीक है जी. इसमें जो है ना ऑयल आके ज़्यादा है तो वाटर जो है ना सेपरेट हो जाए, तो ये सेपरेट लेयर जो बना लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग ऑफ टू फेजेस. दो फेज थे इमल्जन के, वाटर फेज और द ऑयल फेज, दोनों को मिक्स किया था लेकिन उसमें से जो फेज है वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होके जो ऑयल है उसने जो है ना एक सेपरेट लेयर बना ली, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग. सेपरेशन ऑफ द इंटरनल फेज फ्रॉम द इमल्जन इज कॉल्ड ब्रेकिंग. राइट इट डाउन कि सेपरेशन ऑफ द इंटरनल फेज फ्रॉम द इमल्जन इज कॉल्ड ब्रेकिंग. और इसकी वजह से वो मिक्स हो गया था, लेकिन जो है ना ये वाटर नज़र आएगा, यहाँ पे ऑयल नज़र आएगा, या यहाँ पे ऑयल नज़र आएगा और यहाँ पे वाटर नज़र आएगा. दो जो फेज हैं उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी और इसकी वजह से ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा, या फिर जो है ना वाटर सेपरेट हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, दो फेज ब्रेक हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग. फ्लॉकुलेशन, फोर्थ वन इज द फ्लॉकुलेशन. इसमें यह होता है कि जो स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज में, वो आपस में दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड दे फॉर्म द लूज एग्रीगेट्स. दे फॉर्म द लूज एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स तो बहुत सारी जगहों पे होंगे, पूरी इमल्जन में बहुत सारी जगहों पे लूज एग्रीगेट्स बना लेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्यूलेशन. नहीं होते एंड दे वुड नॉट बी इजीली रिडिस्पर्स ऑन शेकिंग. इसकी रीज़न जो है ना, बहुत सारे मोल्ड्स, आपका बैक्टीरिया, आपके फंगाई, यीस्ट जो है ना, दे आल्सो डिकम्पोज द इमल्सिफाइंग एजेंट. जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं और उसकी वजह से आपकी जो इमल्जन है इट बिकम इनस्टेबल. यह हमारा आज का लेक्चर है.